बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल मलिक आपके बंदे हैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूट्यूब चैनल के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको जब आप यूट्यूब चैनल बना रहे होते हैं, उसके बाद आपको ये नहीं कि आप पहले डायरेक्ट DSLR महंगे कैमरों से वीडियो बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपना मोबाइल जो होता है, एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन, उससे आप वीडियो बनाना शुरू करें। उसके बाद आप मोबाइल से ही अपलोड करें और एडिटिंग करके अपलोड कर दें। दूसरी बात, अगर आप ये माइक, ये जो मैंने यूज़ करता हूँ, मैं माइक, आप देखते हैं मेरी वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसकी वजह क्या है, ये मैंने बोया का माइक परचेज किया हुआ है। इसकी प्राइस 2000 है। ये आप एक दफ़ा परचेज कर लेंगे तो आप फिर अपनी वीडियोस बनाए बहुत इजीली। मोबाइल में भी माइक होता है, लेकिन वो वॉइस नहीं कैप्चर करता जो ये माइक करता है। मोबाइल का माइक के आप बोल रहे होते हैं तो वो आवाज़ फट रही होती है और हवा की भी आवाज़ बीच में आ रही होती है, जो सुनने वाला आवाज़ क्लियर नहीं आकर सुन सकता। जो हमने ये माइक लगाया होता है, उससे वो बंदा क्लियर वॉइस सुन सकता है। दोस्तों, ये माइक 2000 का परचेज किया है। मार्केट में 200, 500, 1000 तक माइक है। जो आप ये देखें, आपको भी पता है कि ये माइक जितनी प्राइस है उतनी क्वालिटी भी होगी। इस माइक 2000 का, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप 1000, 800, 500, 200 वाला माइक परचेज करेंगे, उसकी वॉइस क्वालिटी भी नहीं अच्छी होगी, और उसके बाद कि वो आपका जल्दी सड़ने का डर होगा, कि जब आपने मोबाइल में लगाया बाद में वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपके पैसे जाए। जब भी आप परचेज करें, अच्छे वाली चीज़ परचेज करें और महंगी करें, कि आपको बार बार पैसे ना खर्चने पड़े। और दूसरी बात, आपने उसके लिए आपको ज़रूरत है ट्राईपोड की। ट्राईपोड बहुत महंगी महंगी और सस्ती सस्ती भी आती हैं, तो मैंने ना ये वाली ट्राईपोड परचेज किया है। आप देख सकते हैं, देखने में आपको तो बहुत छोटी लग रही होगी कि ये इतनी छोटी है। मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँ, इसकी प्राइस है 2500, सिर्फ 2500 की। और ये अभी इतनी छोटी सी है, इसको आप बड़ा करेंगे ये 5.7 फुट तक हो जाएगी। मैं आपको बड़ी करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ऐसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे मैंने इसको बड़ा कर लिया। ये ऐसे एक इसका भी मैं ये खोल दूंगा। ये देखे दोस्तों, ये कितनी बड़ी हो गई है, अभी भी ये छोटी है। ये देखे, ये देखो दोस्तों, ये कितनी ऊपर चली गई है, ये मेरी हाइट से भी ऊपर चली गई है। आप देख सकते हैं, ये हाइट से भी मेरी ऊपर है, और आपको वीडियो शूट करने में भी बहुत आसानी रहेगी। और इसको जब आप पैक करते हैं तो ये बहुत छोटी सी हो जाती है, और आप इसको कैरी करके कहीं में भी ले जा सकते हो। जो खास तौर पर ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसको इजीली हाथ में ग्रिप करके पकड़ सकते हैं, और आप इजीली अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, अफोर्ड नहीं कर सकते ट्राईपॉड, ये है 2500 की। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो फिर सेल्फी स्टिक के कर ले। जो ब्लॉगर ना, वो इसको यूज करके इजीली अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये ब्लूटूथ वाली है, ये देखिए, ये इसका रिमोट है, ये ब्लूटूथ वाला है। आप इसको अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, और आप ऊपर करके अपने बटन से सेल्फी ले सकते हैं। और दोस्तों, ये भी, ये देखे, बंद हो के कितनी छोटी सी हो जाती है, और आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको कैरी करना। इसके प्राइस है 1000। पहले जब मैं भी था न्यू चैनल यूट्यूब पे, तो मैं भी इन्हीं चीज़ों से करता था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया और अपने चैनल को ग्रो किया है, और साथ साथ इन चीज़ों को भी ग्रो किया है। तो दोस्तों, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो शूट की थी, जब मैं भी नया था यूट्यूब पे, तो मैंने भी कोई महंगे कैमरे नहीं परचेज किए। आपको न्यू यूट्यूब चैनल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी आपके पास 20 to 30 thousand वाला मोबाइल फ़ोन दस्तयाब है और अच्छा कैमरे का रिजल्ट है, फिर आपके लिए कुछ मसला नहीं। आप ये इस, मैंने भी इस मोबाइल से स्टार्ट किया। इसका मॉडल है इन्फिनिक्स नोट 7। मैं इसी से अपनी वीडियोज़ बनाता था, और इसी से शूट करके अपलोड और एडिटिंग करता था। और दोस्तों, आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, और आपको वो कैसे यूज़ करना है। कई लोग सोचते हैं कि वीडियो बना ली, डायरेक्ट अपलोड की यूट्यूब पे। नहीं, ये नहीं बात। आपने वीडियो बना लिया, उसके बाद आपने उसको एडिट करना, जो फजूल चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें, उनको आपने ख़त्म कर देना है। फिर आप अपलोड करेंगे, फिर जो वीडियो की शक्ल निकलेगी, तो वो भी आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।